नमस्कार, जय माता की। कैसे हो आप सभी? मैं श्रवण राजपूत, मादुर्गा रेक एंड लामा फेरा हीलिंग सेंटर चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं। देखिए, अगर आपके सिटी में जैसे दूर से कॉल आता है सीखने के लिए या फिर हीलिंग के लिए, और वो चाहते हैं कि डायरेक्ट करवाएं, लेकिन यहाँ आने के लिए वो कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है किसी कारणवश, अगर आप लोग अपने सिटी में हीलिंग लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप वहाँ पे चार पांच कम से कम हीलर हीलिंग लेने वाले इकट्ठे कर सकते हो अपने एक स्थान पे, ताकि अगर हम लोग टाइम निकालें तो आपके वहाँ के आपकी हीलिंग कर सकें या आपको सिखा सकें। ये तो आप भी जानते हो। अगर मैं यहाँ से चले चंडीगढ़ से या चाबी मरी ब्रांच है हरियाणा क्षेत्र के आसपास, तो किसी को भी सिखाने के लिए या ट्रीटमेंट सिखाने के लिए 3 डे लगेंगे, और सिखाने के लिए ट्रीटमेंट हीलिंग के लिए ज़्यादा दिन लगेंगे। तो एक इंसान के लिए स्पेशल नहीं जा जाता, क्योंकि यहाँ का सिस्टम खराब हो जाता है। अगर आप वहाँ पे अपने जो जिसने ट्रीटमेंट लेना, आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं, तो हम आपको वहाँ भी कोशिश करेंगे कि आपके आपके सिटी में आके ट्रीटमेंट दे सकें। लामा फेरा को कोई कैंप नहीं होता कि कैंप में भाई कैंप लगा लो ट्रीटमेंट दे दो। ये एक सीक्रेट हाई पावर प्रोसेस है। ये आराम से हीलिंग की जाती है, कैंपों में लिटा के ऐसी हीलिंग नहीं होती है जो मोस्टली लोग कैंप लगाते हैं। आज यहाँ पे दिल्ली में कैंप है, आज यहाँ कैंप है, आज यहाँ कैंप है, कैंपों में लामा फेरा हीलिंग नहीं होती। आप रेकी हीलिंग कर सकते हैं 100 बंदों को एक साथ, 1000 बंदों को एक साथ कर सकते हो, लामा फेरा नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कई बार जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे पहली बात की जैसे मेरे पे केस आते हैं मोस्टली यंग जनरेशन के, बिल्कुल 16-17 साल 18 साल कि जो टॉप होते हैं पढ़ने में, स्टडी में टॉप होते हैं, लेकिन एकदम से कुछ ऐसा होता कि वो स्कूल में भी जाएंगे वहाँ मना करना शुरू कर देते हैं, स्कूल चल के वहाँ भी पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, घर ही रहना शुरू कर देते हैं। कई बार उनके दिमाग में ऐसा कुछ फोबिया आ जाता है कि सुसाइड करने का दिमाग में आता, कभी कुछ दिमाग में आता, क्योंकि पेरेंट्स आके बताते हैं, दिखाते भी हैं, चिट देखो सर उन्होंने ये लिख के दिया आज। तो कहीं ना कहीं देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो पेरेंट्स हैं या जो उनके भाई बंधु हैं, हमारे पास आने से पहले आप कोई भी चीज़, आप स्पिरिचुअल एनर्जी आप साथ साथ ले सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप मेडिसिन खाओ और स्पिरिचुअल एनर्जी ना लो, बल्कि बेनिफिट ही होता है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो साथ साथ आप स्पिरिचुअल एनर्जी ले लो, तो जो मेडिसिन आप पे लेट वर्क करे या जल्दी वर्क करना शुरू कर देती है। अगर कोई ऐसा बच्चा केस होता है कि पढ़ाई में बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, स्कूल में जाना बंद कर दिया है, बिल्कुल डिप्रेशन में है, चिल्ला रहा है, सबसे पहले आपके आपसे मैं यही सलाह दूंगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को उसको चेक कराइए, काउंसलिंग करवाइए उसकी, उसके टेस्ट करवाइए। हमारा वाला ट्रीटमेंट तो लास्ट में भी हो सकता है, साथ साथ भी हो सकता है, चाहे लामा फेरा हीलिंग हो या रेकी हीलिंग हो, एंजल थेरेपी हो, कोरोना थेरेपी हो, योग माया हो, सावलिक मंत्र हो, कुछ भी हो जाए, एकदम से मत लेके आइए कि कुछ हुआ नहीं, जिसमें तो कुछ अजीब लग रहा है, आप लामा फेरा कर दो, आप रेकी कर दो, आप सालविक मंत्रा लगा दो, योग माया कर दो, ये कर दो, कर दो। जरूरी है मेडिकली टेस्ट करवाना पहले, ये साथ साथ आप टेस्ट करवाने के बाद भी करवा सकते हो ये चीजें। ये आपको टेस्ट करवाने के बाद करवाओगे ज्यादा जल्दी बेनिफिट हो जाए, उस पॉइंट पे हम हीलिंग देंगे अगर मेडिकली कुछ लगता है। और एक उसको काउंसलिंग, खुद भी काउंसलिंग कीजिए, पूछिए कि क्या घटना घटी है ऐसा कि जो बच्चा या बच्ची टॉप स्कूल में टॉप आते हो, नंबर हाई 99% 95% 90% आते, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि वो 50 पे आ गया और पढ़ना लिखना बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ घटना ऐसी होती है जो घर नहीं बता पा रहा, कहीं नहीं बता पा रहा, दिमाग में बैठ जाती है, और वो दिमाग में बैठने के बाद वो फोबिया एंजाइटी डिप्रेशन में चला जाता है। उस चीज़ को आप ब्लैक मैजिक मत मानिए कि ब्लैक मैजिक हो गया इसके अंदर, तो 16 साल के बच्चे में कोई ब्लैक मैजिक नहीं करेगा पढ़ते पढ़ते में। नेगेटिव एनर्जी ठीक है अटैच हो जाए, इतनी भी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं घटना भी जिम्मेदार होती है
कि कुछ ऐसी घटना उसके साथ घटी है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब है और वो घर बता नहीं पा रहा है, या फिर स्कूल में या कहीं भी काउंसलिंग में नहीं बता पा रहा है कुछ भी कि उसके साथ क्या हुआ है, तो उसका आप ट्रीट पहले मेडिकली करवाइए, उसके बाद उसका लामा फेरा ले सकते, हीलिंग करवा सकते हैं और रेकी हीलिंग भी करवा सकते हैं। लामा फेरा इस चीज़ को, लामा फेरा हीलिंग में सिंबल होता है उसको, उस पर एक्टिवेट करके चक्रा पे उसका जो फोबिया है, जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो कम्प्लीटली उसके दिमाग को बिल्कुल पॉजिटिव किया जाता है उसके जरिए, और उसमें वो सिंबल एक्टिव हो जाता है लामा फेरा के जरिए, और जो बच्चा है या कोई बड़ा है उसके दिमाग में जो फोबिया है, जो जिसकी वजह से नेगेटिव हो रहा है, बार बार डिप्रेशन में जा रहा है, वो निकलना शुरू हो जाता है। आपने पिछली वीडियो में देखी होगी, हम लोगों ने कहीं भी ये नहीं बोला कि कुछ हुआ है डायरेक्ट उठा के हमारे पास ले आओ, हम ये नहीं कह रहे कि आप लेके नहीं आ सकते, उसका भी ट्रीटमेंट कर देंगे कोई डायरेक्ट, लेकिन मेरी फर्स्ट सलाह यही होगी आप लोगों, पहले सबसे पहले कुछ ऐसा होता है तो मेडिकली टेस्ट जरूरी है। वो लोग इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके, इतने पैसे खर्च करके, इतना प्रैक्टिस करके आते हैं, तो डॉक्टर भी हैं, हम लोग स्पिरिचुअल हीलर हैं। केस कोई भी हो सभी हैंडल हो जाते हैं, चाहे ब्लैक मैजिक हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, अर्थराइटिस हो, कोई दूसरी बीमारी हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज वाली प्रॉब्लम हो, बेबी कंसीविंग प्रॉब्लम हो, गुस्से वाला हो, बीपी बढ़ रहा हो, अप डाउन हो रहा हो, कोई भी हो, तो आप लोग आशा करते हैं कि जो हम आपको बता रहे हैं आप उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि हमें ये बताने में कोई, हमारे कस्टमर नहीं बढ़ते, हमारे क्लाइंट नहीं बढ़ते, क्लाइंट बढ़ जाएंगे वो भाई ये बता रहा है, बल्कि इससे कम ही होते हैं, क्योंकि जब हम ये बोलते हैं तो अगले नेक्स्ट पर्सन को जो वीडियो देखता सोचता है कि हाँ भाई जी खुद कह रहे कि आप पहले मेडिकली टेस्ट करवाओ तो वहाँ जाने का फायदा नहीं है, तो मेडिकली करवाना चाहिए, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंसान ठीक होना चाहिए, बच्चा ठीक होना चाहिए, मेडिकली तौर पे हो जाए तो बेस्ट है। हमारे पास तो कभी भी आप पॉजिटिव करवाने के लिए क्या सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की।